विदिशा जिले के पठारी में जिला कांग्रेस के आह्वान पर आज पठारी और उदयपुर ब्लॉक का कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण प्रभारी दीपचंद्र यादव, पूर्व महापौर भोपाल सह प्रभारी अमित शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश कटारे, संगठन प्रभारी मोहित रघुवंशी, ब्लॉक प्रभारी संतोष पटेल, NSUI जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, सेवा दल जिला अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर दीपचंद यादव जिला कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि आज चारों तरफ कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस की सक्रियता से निश्चित रूप से भाजपा के नेताओं में हड़कंप है और 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। विदिशा से आशीष सहेल की रिपोर्ट। काफी प्रतीक्षा कर लिया मैं तो, वैसे मेरे पास बोलने के लिए लेकिन इतना जरूर कहूँगा मैं आपसे, अभी कमलनाथ जी के बारे में बात हम लोग करें। कमलनाथ जी के बारे में इतना मैं जानता हूँ कि वो छोटे मोटे आदमी नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इसका पद मैं समझा उनकी जितनी बड़ी शख्सियत है, जितनी बड़े व्यक्तित्व है, उसके लिए उनका बहुत छोटा। लेकिन हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए पटेल बांधकर हमारे बीच आज जिला कांग्रेस कमेटी पठारी और उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं की इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित भोपाल नगर निगम के महापौर, पूर्व महापौर, विदिशा जिले के प्रभारी हमारे सबके हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।